हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ सवालों की, या जो सवाल है आप ही लोगों के द्वारा मुझसे पूछा गया है, या जो सवाल है वो आपके लोन से संबंधित है जो आपको बिहार उद्यमी योजना के तहत आपको दिया जा रहा है, या जो सवाल है उन सभी के लिए है, चाहे उनका फाइनलिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, चाहे जिनका वेटिंग लिस्ट में हो या जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इन सभी सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल सके। उससे पहले, अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो 11th की हो, 12th की हो या ग्रेजुएशन की हो किसी भी बोर्ड से, या जो कोर्स है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध है, ऑफलाइन आपको पटना में उपलब्ध है। अगर आपको जानकारी चाहिए, पूरी डिटेल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। बात करते हैं हम सवालों की, तो कौन से सवाल हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वह जो सवाल है वो उद्योग विभाग बिहार सरकार से रिलेटेड है, जो भी आप लोन ले रहे हैं उससे संबंधित यह प्रश्न है। पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल है हमारा कि 5 लाख सब्सिडी या कुछ और। तो इस स्कीम के तहत सभी को 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख अनुदान है और 5 लाख 1% इंटरेस्ट के साथ देना है महिलाओं को छोड़कर। तो 5 लाख अनुदान क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर अपने दोस्त से या अपने फैमिली मेंबर से भी अगर लेते हैं पैसा, तो कोई भी फ्री में नहीं देता है। तो सरकार यहाँ पर 5 लाख अनुदान दे रही है, क्यों दे रही है, ये सोचने वाली बात है। तो मैंने इससे संबंधित जो सवाल है अधिकारी से इस सवाल को पूछा, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस स्कीम के तहत किसी एक को नहीं, कम से कम 16,000 को 10 लाख तक लोन दिया जाएगा। इस लोन को उन लोगों को 7 ईयर यानी 84 मंथ में चुकाना है। सेकंड जो सवाल है वो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इस स्कीम के तहत 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख आपको 1% इंटरेस्ट के साथ देना है महिलाओं को छोड़कर। तो यह जो इंटरेस्ट है वो मंथली होगा या आपका ईयरली होगा। अगर ईयरली होगा तो 5 लाख का इंटरेस्ट आपका 5,000 होगा, जो आपको 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो 400 समथिंग अप्रॉक्स पड़ेगा। और जो आपको 5 लाख चुकाना है वो आपको उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5,900 समथिंग अप्रॉक्स 6,000 देना है, यानी मंथली आपका 6,500 रुपये के आसपास इंटरेस्ट प्लस आपका जो मूलधन होगा वो देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मंथली होगा तो 5,000 कैलकुलेट होगा, पर मंथ आपको देना होगा। ये जो चीज़ है वो मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट आपका मंथली है या ईयरली है। इससे रिलेटेड भी मैंने अधिकारी से सवाल किया तो कोई जवाब मुझे नहीं मिला। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या नहीं। जैसा कि आपको जब कॉल आया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो आपको एक एफिडेविट मांगा गया होगा। उस एफिडेविट में आपको 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट लिखना था। पहला कि आप अस्थाई निवासी हैं, दूसरा कि आपके फैमिली मेम्बर में से सिर्फ आप ही इस लोन को ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा सवाल कि आप हुआ था कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या आप सरकारी जॉब नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों पूछा गया आपसे, ये कभी सोचा आपने? नहीं। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा अधिकारी से, तो इस प्रश्न का जवाब मुझे मिला कि अगर आप ये लोन ले रहे हैं, ठीक है, और आपको इन फ्यूचर में 1 साल या 2 साल के बाद अगर आपको जॉब लग जाती है, तो आप बेशक है कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे ही आप जॉब करेंगे तो जो भी आपने 10 लाख रुपए लिया है, ठीक है, तो उस 10 लाख को आपको रिफंड करना होगा गवर्नमेंट को, तभी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। यह जो बात है कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। और जितना मंथ आपने ईएमआई पेमेंट किया उस पेमेंट को आपके लोन से डिडक्ट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट को आपको गवर्नमेंट को रिफंड करना होगा। तो आप क्वेश्चन को पूछिए, जैसे ही आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो उससे आप पूछिए कंसर्न अधिकारी से। ये नहीं, आपके फाइनलिस्ट में नाम आ गया तो आप उस क्वेश्चन को नहीं पूछें,
बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अभी पूछने बाकी हैं। अगर कुछ ऐसे प्रश्न आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को अधिकारी से पूछ लूँगा, उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। जय हिंद।